हेलो नमस्कार, आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। सिंगर का क्या है कि अपना हुनर दिखाना है, टैलेंट दिखाना है लोगों को, है ना। तो आप कौन सा भी भाषा गाओ, संगीत का कोई भाषा नहीं होता है। सही बात है। वी डोंट हैव लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। कि मुझे ऐसा लगता है कि गाना कोई भी हो जो पब्लिक के दिल को छूती है, जो पॉपुलर होता है, वही बेस्ट गाना है। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। म्यूजिक सिंगिंग ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको छूती है, भले हमें फिल्में पसंद हो ना पसंद हो, किस तरह की फिल्में पसंद हो ना हो, लेकिन फिर भी गाने हमारे नज़दीक जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि गानों में एक सोल कनेक्शन होता है। लेकिन सोल कनेक्शन बनता कैसे है ये एक सिंगर ही बता सकता है। मेरे साथ है दीपा नारायण, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। दीपा जी, ये आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार जी। मेरा फुल नेम दीपा नारायण झा है। दीपा नारायण झा जी, म्यूजिक से सिंगिंग से आपका कनेक्शन कब और कैसे बना? म्यूजिक से कनेक्शन फ्रॉम माय चाइल्डहुड, फ्रॉम माय बर्थ। ओके जी, लेकिन फिर बॉलीवुड तक कनेक्शन कैसे बना? क्या है कि बचपन से मैं गाती थी और मेरी मम्मी बोलते तो गाना होता था, तो मैं डांस, थोड़ा डांस इतना आता नहीं, लेकिन गाना जो भी गाना बजता था रेडियो में, तभी तो रेडियो होता था, तो मैं उसी रेडियो के साथ में गाना शुरू कर देती थी। ओके। और जब छोटे छोटे क्लास में पढ़ती थी तो तभी गाना म्यूजिक कंपटीशन वगैरह हुआ था ना, होता था तभी, तो आई स्टार्टेड सिंगिंग फॉर म्यूजिक कंपटीशन एंड ऑल, आई नीड टू विन चैलेंज कप एंड ऑल दैट। तो आवाज़ मीठी थी तो सबने पसंद किया और गाती गई, कॉलेज में गई, स्कूल में ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैं नौकरी के लिए बम्बई आ गई, एयर इंडिया में जॉब करती थी, और मेरा ये था कि मैं कुछ मतलब प्रस्तुत करके लोगों को सुनाऊं मैं अपने गाने, बड़ा मन था कैसे करते होंगे, क्या करते, इतना आइडिया तो नहीं था। जब बम्बई आई, मेरी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत गजमेर जी से हुई, तो उनके घर में मेरे हस्बैंड जो अभी है उदित नारायण जी, तो वो आए थे, हमारे मतलब डुएट गाना कर रहे थे वो। ओके। डुएट गाना था, तो मुझे बोला कि मैं खुद अपना एल्बम बना रही थी तभी, एल्बम छोटा सा ईपी होता था, चार गाने होते थे। सो उदय जी आए थे और उदय जी वो बोले, म्यूजिक डायरेक्टर जी बोले कि ये नेपाल से, वहाँ से बिहार, नेपाल से कहाँ से आए हैं लड़के, तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं उदय जी को जब देखी तो बहुत पतले थे, एकदम पतले थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब ये इतने पतले कैसे गाते, मेरे नाक नक्शा तो अच्छे लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हैं वो। तो जब गाना सुना तो मैं बोली बाप रे, ऐसे करके देखती रहेगी, मैं बोली वाह क्या बात है, क्या गाते हैं और क्या आवाज़ है उनकी। तो उसके बाद हमारी ईपी से चार गाने जो थे रिलीज हो गई, और वो गाना जाके सुपर डुपर रीजनल भाषा में था, तो हो गया। कौन सी भाषा में था ये? नेपाली भाषा। ओके। तो उसके बाद मुझे नेपाल से लोग आने लगे कि उन लोगों को लगा कि इतने अच्छा गाना भी होता है मुंबई में जाके। राइट। तो और गाते मतलब आते गए, हमको गाना गवाते गए, मैं नेपाली फिल्म में गाती गई गाती गई गाती गई गाती गई। और उसके बाद सिर्फ नेपाली तक आप सीमित नहीं रहे? 25-30 साल से आज गा रही हूँ, नहीं नेपाल से सीमित नहीं रही। ऑफकोर्स फिर जब उदित नारायण जी शो करने लगे तो मैं उनके साथ जाने लगी, शो में भी गाने लगे। फिर उसके बाद मैंने बंगाली में गाया, उड़िया में गाया, असमीज गाया, क्या क्या गाया पता नहीं, आई थिंक 15-16 लैंग्वेजेस आई हैव बीन सिंगिंग। ओके, इसका मतलब ये हुआ दीपा जी कि आपने नेपाली भाषा में गाया जिसकी ऑडियंस दुनिया को लगती कि सीमित है, लेकिन पॉपुलरिटी आपको उससे ही मिल गई। इसका मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हिंदी से ही शुरुआत होना। सिंगर का क्या है कि अपना हुनर दिखाना है, टैलेंट दिखाना है लोगों को, है ना। तो आप कौन सा भी भाषा गाओ, संगीत का कोई भाषा नहीं होता है। सही बात है। वी डोंट हैव लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। ओके। तो जब जो लैंग्वेज आप समझते नहीं है उसमें गाते हैं, तो जो इमोशन होता है उसको कैसे कैरी करते हैं? जब भी गाने के लिए जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्या जैसे तमिल तेलुगु गाना हुआ ऐसा कुछ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो मैं पूछती हूँ कि इसका एक एक वर्ड का, मैं उनको इरिटेशन भी होता होगा लेकिन मुझे समझाते, बिकॉज अदरवाइज हाउ कैन यू गिव द फीलिंग्स, राइट। सो आई आस्क देम द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ये भाव क्या है, क्या बोलना चाहती है, मतलब प्यार से हस्बैंड के साथ है, बॉयफ्रेंड के साथ है, बाइक के साथ है, मम्मी के साथ है, क्या। सो आई शुड नो द लैंग्वेज। मतलब ये हुआ दीपा जी कि एक एक्टर जिस तरह से डायलॉग बोलता है, डायलॉग डिलीवरी करता है, अदायगी करता है, एक सिंगर भी कहीं ना कहीं वो अदायगी करता है। ऑफकोर्स वेरी मच वी हैव टू डू इट, अदरवाइज आपको वो फीलिंग्स कैसे आएगा गाने में। तो ये सिंगिंग एक्टिंग सिंगिंग है।
Yes. Technically. You have to be good actor to sing. Yes. True. Okay, great. तो ये भी ध्यान रखते हैं आप कि किसके ऊपर ये फिल्माया जाने वाला है, वो लोकेशन क्या होगा, इतने डीपली जाते हैं या बस इतना समझ में आ गया भाव क्या है तो काम चल जाता है? नहीं, वो गाने से समझ में आ जाता है ना, ये रोमांटिक गाना गा रहे हैं तो शायद होगा ये बाहरी होगा, लाइक इट मस्ट बी आउटडोर, तो कोई रोने का गाना होगा तो बैठ के घर में रो रही होगी, या राखी का होगा तो भाई के साथ खुश होके गा रही है, दिवाली का है तो और ज्यादा खुशी, तो इस तरह से पता चल जाता है जी। तो आजकल डिजिटल इंडिया जब से हुआ है, यूट्यूब आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, तो सिंगर्स के लिए बहुत ईजी हो गया है अपने आप को प्रमोट करना, पब्लिक तक पहुंचना, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी तब लिमिटेशंस थी, तो वो डर लगता था, हिम्मत आती थी, चैलेंजेस लगते थे, क्या लगता था, साइकोलॉजिकली कैसा था सब? मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, मैंने शायद कभी इंटरव्यू में नहीं बोला है, जब मैं ये सब भाषा में गा रही थी, बंगाली, नेपाली, उड़िया, ये सब तो गा रही थी, ठीक है, अपना उधर का साइड का है, लेकिन मुझे हिंदी गाने गाने बहुत डर लगता था मुझे, तभी आशा जी, लता जी, इतने बड़े बड़े लोग थे, सरस्वती माता सब, तो मुझे लगता है हिंदी गाना बहुत डिफिकल्ट होगा, कैसे गाऊंगे, क्या है। तो जब उदित जी को देखी, मैं उदित जी प्रैक्टिस करते थे, गाते थे, तो अच्छा था, ये तो सेम टाइप है, सेम ही है। मुझे क्या लगता था, पूरा सरगम लिखना पड़ता होगा, और मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं था सरगम का, एक एक सबका, तो नोटेशन, यू नो, आई डिडंट नो नोटेशन, ऑफ कोर्स आई लर्न लेटर ऑन, आई डिड ज्वाइन संगीत महाभारती, उदित जी ने मुझे अच्छा, भी संगीत की पहली पुस्तक उदित जी ने दिया, ऐसे गाती थी अंधेरे में तीर मारती थी, लेकिन संगीत की पहली पुस्तक जो है मेरे हस्बैंड श्री उदित नारायण जी ने, पद्म भूषण उदित नारायण जी ने मुझे दिया था, तो उसके बाद मैं सीखने लगे, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कैसा गाना चाहिए, हिंदी गाना कैसा होगा, क्या करना है, तो फिर बाद में जब उदित जी के गाने और सब करने लगी और थोड़ा बहुत मुझे भी मिल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा, फिर आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट, इनिशियली आई वॉज लिटिल लाइक नर्वस, तो इसका मतलब सीखने से अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है, समझने से चीजों, एक्सपीरियंस जितना आप खो जाओगे उतना आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप सीखते जाओगे और सीखते जाओगे। तो आपने बताया कि आप जॉब के लिए पहले यहाँ पर आए थे, हाँ जी। जब जॉब में थे, बहुत सारे लोग जॉब में आते से ही अपने सपनों को मार देते हैं, जिसको सिंगर बनना हो, राइटर बनना हो, एक्टर बनना हो, आपने ऐसा नहीं सोचा, ये चैलेंज क्यों लिया? आई वॉज फ्लाइंग विद एयर इंडिया एज एन एयर होस्टेस, तो शौक था, तो मैंने आपको बताया संगीतकार के घर में गई थी, उदित जी मिले तो गाना बन गया और सुपर हिट हो गया वही गाना, एक्चुअली ईपी था, बाद में जाके वो फिल्म में मतलब लोगों ने यूज किया। ओके ओके। मुझे तो बताया ही नहीं पहले, तो मुझे लेके गए प्रोड्यूसर की एक सरप्राइज देना है, मुझे क्या मालूम तो कौन सा सरप्राइज है क्या, तो गई तो मैंने, ये तो मेरा गाना है, तो यस, हाउ डू यू लाइक द सरप्राइज, आई सेड वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी, आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, आपने ना गानों के बहुत बदलते हुए दौर देखे, एक साउंड बदला है, म्यूजिक बदला है, सब कुछ बदला, इसको कैसे देखते हो आप नए सिंगर्स के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गाना कोई भी हो जो पब्लिक के दिल को छूती है, जो पॉपुलर होता है, वही बेस्ट गाना है। ओके, दीपा जी, आजकल बहुत सारे मौके हो गए सिंगर्स के लिए कि रियलिटी शो आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो अब नए सिंगर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है? बहुत ज्यादा है आजकल के जमाने में, तो मतलब आपके पास टैलेंट है तो आप हुनर अपना दिखा सकते हो, दे आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन दिस जनरेशन। राइट, एज ए सिंगर आपने अपनी सफलता देखी है, आपने उदित जी की सफलता देखी है, आपने आदित्य की भी सफलता देखी है, तो ये जो सफलता मिलती है इसके डूज एंड डोंट्स आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो एक सिंगर के तौर पर, एक माँ के तौर पर आप आने वाले नए सिंगर्स को क्या कहोगे, किस बात का वो ध्यान रखे? ध्यान देखिए, सबसे पहले कोई भी कलाकार हो, चाहे म्यूजिक फिल्म में हो, एक्टिंग फिल्म में हो, या टेक्निकल फिल्म में हो, कोई भी फिल्म में, यू हैव टू हैव नैक ऑफ इट, राइट, आप यू हैव टू बी बॉर्न विथ इट, कलाकार तो बॉर्न होना ही पड़ता है, आप अपने आवाज़ लेके पैदा होते हो, तो उसके बाद यू हैव टू हैव इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट, सिर्फ गले होने से आपको रियाज करना नहीं, अच्छा रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप अभी तो रियलिटी शो इतने बन गए हैं, आप कहीं भी जाके अपना हुनर दिखा सकते हो, और जजेस इतने सब महान कलाकार है तो वो लोग आपको बुलाएंगे, अच्छा, और जैसे चांस क्रिएट भी होते हैं, क्रिएट होती, ऐसे क्रिएट कितने हो गए हमारी इंडस्ट्री में है, आई थिंक श्रेया भी आई, श्रेया है, अरिजीत है, जब नए सिंगर आते हैं कम उम्र में जो छोटी सक्सेस मिलती है और उससे थोड़ा सा भटक जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे, जो लंबा करियर नहीं चल पाता? बच्चे अभी कम उम्र में आते हैं ना, थोड़ा पैसा देखते हैं, नाम देखते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, तो तभी माँ बाप को भी कंट्रोल करना चाहिए, खुद को भी, उनको भी खुद को, भाई मुझे आगे जाना है, तो हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं अभी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी दीपा नारायण झा,
इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कंक्लूड कर देता हूँ हर बार की तरह आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये कि आप अगर सिंगर हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने सपने को मत मारिए, बल्कि रास्ता तलाशिए कि कैसे उस पर चल सकते हैं। रीजनल से खौफ मत खाइए, वो आपको सफलता के रास्ते पर जरूर ले जाएगा। दूसरी बात ये, संगीत की अपनी भाषा होती है और ये भाषा इतनी पक्की होती है, जैसे दीपा जी ने कहा कि उदित जी बहुत पतले दुबले दिख रहे थे, लेकिन संगीत ऐसा था जिसने उनको हमेशा का साथी बना दिया, इतनी ताकत होती है इसमें। दूसरी बात ये कि सफलता से बिल्कुल बच के चलिए, उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ने दीजिए, तो आप ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।